चैनल, आप सभी को मेरा जय भीम नमो उठाए। दोस्तों, आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये है रथ यात्रा। रथ यात्रा किसकी? संविधान। तो दोस्तों, संविधान की रथ यात्रा ये निकली है पूरे साउथ से, पूरे इंडिया भर में ये घूमने वाली है। गणतंत्र दिन के अमृत महोत्सव के वर्ष के उपलक्ष्य में ये संविधान रथ यात्रा निकली है, जो कि 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के दिन ये दिल्ली पहुंचेगी। ये पूरा साउथ इंडिया घूम के आई है दोस्तों। अभी तक ये तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना घूम के अभी ये महाराष्ट्र में आई है। नागपुर के दीक्षा भूमि पर ये संविधान रथ यात्रा यहाँ पर रुकी है दोस्तों। ये रथ यात्रा अखिल भारतीय संविधान जागृति ट्रस्ट के द्वारा की गई है। ये पूरे यहाँ नागपुर के बाद ये कल संविधान चौक से एमपी के लिए निकलेंगी। एमपी के बाद ये जाएगी राजस्थान, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, यहाँ तक घूमेगी। उसके बाद ये 14 अप्रैल को दिल्ली में पहुँचेगी दोस्तों। ये देख सकते हैं आप, संविधान के बारे में अगर हम बोलना चाहते हैं तो दोस्तों, बचपन से ही हमारे माँ बाप ने सिखाया कि हमें जो ये पढ़ना लिखना, ये जो हमें, हम जो काम कर रहे हैं अपने अपने पति के बराबरी से या फिर अपने भाई के बराबरी के साथ, जो भी हम काम या पढ़ाई लिखाई किए, जो हमें मिला है बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा है, उनकी बदौलत आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हमें संविधान के बारे में, संविधान के लिए हमेशा आदर रहना चाहिए। इससे सभी हमारे धर्मनिरपेक्ष, आप जानेंगे कि भारतीय संविधान में लिखा है पहले पेज, हम भारतीय लोग, यानी कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर किसी धर्म के लिए नहीं है दोस्तों, ये पूरे हमारे देश भर की जनता के लिए। आमी भारतीय लोग संविधान में, आमी भारतीय लोग मतलब हम सब पहले इंडियन आते हैं, बाकी सब कुछ आता है दोस्तों। आप देख सकते हो, लोग यहाँ पर देख देख के जा रहे हैं, किसी को समझ रहा है, किसी को पता है कि ये क्या है, ये संविधान रथ यात्रा है, किसी को नहीं पता है तो पूछ के जा रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं दोस्तों। आप देख सकते हो, बहुत से लोग संविधान ख़त्म हो जाएगा, संविधान को बदलने की बात करते हैं दोस्तों। संविधान बदलने की ताकत किसी में नहीं है दोस्तों। संविधान हमारे बाबा साहब जी ने लिखी है, ये संविधान कोई भी नहीं बदल सकता है दोस्तों। क्योंकि आप जानेंगे कि किसी भी धर्म में, किसी भी धर्म ग्रंथ में ये नहीं लिखा है कि हमें मनुष्य के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। ये संविधान की वजह से दोस्तों हमें मिलता है कि पढ़ाई लिखाई, नौकरी, हम जिस भी अहदे पर जाते हैं दोस्तों, ये संविधान की वजह से हमें सब मिला है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सुंदर रथ है दोस्तों, आप देख सकते हो। इस रथ यात्रा की कलाकृति कितनी बेहतरीन की गई है। सामने दो हाथी लगे हुए हैं। कन्याकुमारी से ये रथ यात्रा दोस्तों आई है। इसकी सजावट इस तरीके से की गई है कि रास्ते में कुछ भी, कैसा भी रास्ता हो, गाड़ी को कुछ ना हो, देख सकते हो आप। रथ के ऊपर दो बड़े शेर रखे हैं और नीचे आप देख सकते हो दोनों साइड हाथियों की कलाकृति की गई है। दोनों साइड ये हाथियों की कलाकृति है और आप ऊपर देख सकते हो दो शेरों के बीच बाबा साहब जी की प्रतिमा रखी हुई है। आप देख सकते हो दोस्तों, ये कन्याकुमारी से ये रथ यात्रा निकली है दोस्तों। आप देख सकते हो इस रथ यात्रा में दोस्तों, किसी धर्म का अकेला व्यक्ति नहीं जुड़ा है, जो भी संविधान को मानता है, देश के संविधान को मानता है, वो सब यहाँ पर इस ट्रस्ट के द्वारा जुड़े हैं, जो कि दिल्ली में अभी रथ यात्रा ये ख़त्म होंगी तब सभी भारतीय वहाँ पर जाएंगे दोस्तों। ये जो रथ यात्रा ऑर्गेनाइज की है, जो सीनियर जर्नलिस्ट है मुकेश सरकार जी दिल्ली के, उन्होंने ये संविधान रथ यात्रा ऑर्गेनाइज की है, जो कि कन्याकुमारी से इस रथ यात्रा के साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों। ये 26 जनवरी से ये रथ यात्रा स्टार्ट हुई है।
जो कि अब नागपुर में महाराष्ट्र में आके यहाँ पर दीक्षा भूमि की तरफ आके रुकी है। कल दोस्तों 12 बजे संविधान चौक में बाबा साहब अम्बेडकर जी के पुतले को अभिवादन करने के बाद ये रथ यात्रा पहुँचेगी झांसी रानी चौक। वहाँ पर दोस्तों एक सभागृह में माननीय कांशीराम जी का जयंती के निमित्त में वहाँ पर कांशीराम जी को अभिवादन करने के बाद ये संविधान रथ यात्रा अपने फिर आगे बढ़ेंगी, जो कि एमपी में पहुँचेंगी। दोस्तों जो भी राजकीय सांस्कृतिक धार्मिक राजकीय क्षेत्र में काम करते हैं वो संविधान प्रेमी इस यात्रा कल के इस रथ यात्रा में जुड़े और अपनी उपस्थिति दर्शाए। दोस्तों यही विनंती करूंगी आप सबसे। जी सर, आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम मुकेश सरकार है, मैं सीनियर जर्नलिस्ट हूँ। पिछले 20 साल से बेंगलोर में कार्यरत हूँ, साउथ ब्यूरो चीफ। सर, इस रथ यात्रा के बारे में आप कुछ बताएंगे, संविधान रथ यात्रा के बारे में? देखो, मैं तो इतना ही कहूँगा, बाबा साहब ने जो हमारे समाज के लिए करा है वो बाबा साहब ने कह के नहीं करा, उनके अंदर करने का कुछ जज्बा था या उनकी आत्माओं ने कहा था करना है, उन्होंने किया, उसी की कॉपी मैं कर रहा हूँ। बाबा साहब ने एक बात कही थी लास्ट टाइम मरते वक्त, जो रथ मैं यहाँ तक खींच के लेके आया हूँ, अगर आप सब समाज के लोग मिलकर उसे आगे नहीं ले जा सकते तो पीछे भी मत जाने। मुझे कुछ दिनों से लगा शायद वो रथ अब जो हिंदुस्तान की सीमा है ना, वो सीमा के करीब पहुंच चुका है। 26 जनवरी 2024 को संविधान दिवस था, उस संविधान दिवस के ऊपर मैं कन्याकुमारी से इस रथ को लेकर चला हूँ। बाबा साहब ने कहा था संगठित रहो, शिक्षित बनो और संघर्ष करो, तो शायद ये रथ मेरे जो समाज के लोग जो अलग अलग गुट बना के बैठे, शायद हो सकता है वो उनका दिमाग कुछ खुले काम करें और इस रथ के बहाने वो एक साथ जुड़ जाएं। इसमें संगठित होना भी है और संघर्ष करना भी है, संघर्ष जीवन। देखते हैं बाबा साहब के इस रथ के लिए चार कदम कौन चलता है, और इकट्ठा अगर चलेंगे तो शायद जो मनुवादी सोच के लोग हैं उनके दिमाग में भी कुछ प्रभाव पड़ेगा। तो ये मेरे इस यात्रा के पीछे का मिशन जो मैं कर रहा हूँ, जो मेरी सोच है उस सोच को मैंने आपको बता दिया है, बाकी मेरा कोई राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। उद्याला 15 मार्च आणि तो देशामध्ये बहुजन समाजाची चळवळ ज्यांनी उभी केली ते मान्यवर कांशीरामजी यांचा जन्मदिवस आहे। बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधान चौक जो आहे नागपुरातला जो प्रमुख समजला जातं त्या बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिवादन करण्यासाठी, कारण कांशीरामजी पूर्वी आम्ही सर्व बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिवादन संविधान चौकात करणार आणि ते झाल्यावर नंतर एक मधुरम सभागृह झांसी राणी चौकात एक त्यांच्या अभिवादनाचा कार्यक्रम आहे कांशीरामजींच्या जयंतीनिमित्त। ते अभिवादन करून हा रथ जो आहे हा रथ नंतर शिवनीकडे मध्य प्रदेशाकडे रवाना होईल। 26 जानेवारीपासून हा रथ सुरू झाला आणि 14 एप्रिलला याचं समापन पार्लमेंटच्या परिसरात जे बोट क्लब आहे जिथं बाबासाहेबांचं स्टॅच्यू आहे तिथं होणार आहे, आणि मुकेशजी सरदार हे त्याचे प्रमुख आहेत, यांच्या संकल्पनेतला हा रथ आहे की संविधान जनजागृती रथ। संविधान जनजागृती रथ आम्ही नागपूरकरांच्या वतीनं नागपूरच्या मंडळीच्या वतीनं जी संविधान प्रेमी जी मंडळी आहे त्यांनी साहेबांचं भरभरून आम्ही स्वागत केलं की त्यांनी या रथाची कल्पना, संविधान या देशात धोक्यात आहे आणि त्या धोक्यात आलेलं संविधान वाचवण्यासाठी जनजागृती अभियान त्यांनी भारतभर छेडलेलं आहे त्याच्यात आम्ही सोबत आहोत। धन्यवाद। धन्यवाद। जय भीम सर्वांना। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिएगा दोस्तों, और कल ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ आपको आना है, ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ इस संविधान रथ यात्रा में करनी है दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।